परम सर्वीय संस्कार भारती तानसेन इकाई गुरुग्राम परिवार इकाई के मंत्री प्रशांत जी और आज के हमारे उत्कृष्ट मेहमान जीडी बक्सी जी, अजय सिंगल जी, यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे दोस्तों और साथियों, आप सभी को मेरी ओर से और उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच की ओर से नववर्ष और चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा संस्कार भारती परिवार का कि उन्होंने हमें इस मंच से जोड़ा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि भविष्य में भी वे हमें सहयोग करेंगे। जहां तक आज मैंने यहाँ पे कुछ चीजों का विश्लेषण किया, विभिन्न प्रांतों से आई ही लोक कला और संस्कृति की झलकियां मुझे मंत्रमुग्ध कर गई। मैं बहुत भाव विभोर हुआ जब तक संस्कार भारती जैसी संस्थाएं हमारे समाज में रहेंगी, हमारी भारत की संस्कृति का कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, ये हमेशा सभी के दिलों में संग्रहित रहेंगी। भारत एक ऐसा देश जहां विविधताओं में समानता और अनेकता में एकता की शक्ति समाहित है। हमारी भारत की संस्कृति में कई देशों की संस्कृतियां समय के साथ साथ नष्ट हो गई, लेकिन ये हमारी भारत की संस्कृति आदिकाल से ही संरक्षित है और हमेशा संरक्षित ही रहेगी। जहां तक बात करता हूं मैं संस्कृति की, तो मैं उत्तराखंड से हूं। एक ऐसा प्रांत हिमालय की गोद में बसा है जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान है। उनकी ससुराल सदियों से ही हमारा उत्तराखंड हमेशा देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात रहा है, जहां कलकल करती हुई माँ गंगा जमुना सरस्वती पावन जल से उस भूमि को सींच के हुए हरा भरा करते हुए मैदानों की तरह रुख करती है और वहां पे भी सबको प्राणदान देती है। ऐसी भूमि जहां पे हमारे ऊंचे पहाड़ पर आकाश से बात करते हुए प्रतीत होते हैं, हिम शिखरों से ऐसी अट्टालिकाएं जो सजग देश की प्रहरी के रूप में खड़ी हैं, ऐसी भूमि जिसका श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने अपने हाथों से किया है और जो प्रत्येक आदमी को बरबस अपनी तरफ खींचती है और मंत्रमुग्ध कर देती है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारी पूरी संस्था का, हम सभी उत्तराखंडियों का जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और संस्कार भारती ने हमें ऐसा सुअवसर प्रदान किया। एक बार जो तालियां और नीचे संस्कार भारती की। तो आइए अब मैं आपको भेज चलता हूँ उत्तराखंड की उन सुंदर वादियों में, मखमली घास में, और ऐसी लोक संस्कृति के बारे में आप सभी को रूबरू कराता हूँ। लेकिन उसको बताने से पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो कलाकार हैं ये प्रोफेशनल नहीं है, ये उन्होंने दो तीन दिन की मेहनत के लिए ही मेहनत की है और थोड़ा सा समय निकाल के हम संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं। आशा करता हूँ कि एक लोक नृत्य भूति जो आपको बहुत पसंद आएगा। भूति एक ऐसा पक्षी उत्तराखंड में जो सात माह वहां पे प्रवास करता है, जिसकी कूक से, जिसकी मधुर ध्वनि से मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। और देखिए इस प्रस्तुति में भूति के माध्यम से क्या कहा जाता है। तो आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
केंगर का डाला गुबोती मांगर का डाला गुबोती लखुर घोड़ा ने गुबोती लखुर घोड़ा ने गुबोती केंगर का डाला गुबोती मांगर का डाला गुबोती लखुर घोड़ा ने गुबोती लखुर घोड़ा ने Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.